वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है भोपाल में आयोजित किया जाएगा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ठीक है, कहाँ पर होगा? भोपाल के अंदर ये होने वाला है। एक तो आपको इस बात को याद रखना है कि भोपाल के अंदर जो है आयोजन होगा अभी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का। अब बात ये आती है कि ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आखिर में क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और साथ में इस साइंस फेस्टिवल में किस किस बातों का ध्यान में रखा गया है, ठीक है, सारा मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एक से लेके दो नंबर का क्वेश्चन है जो कि यहाँ से आपसे एग्जाम से पूछा जा सकता है। अगर इसको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में सभी पीडीएफ और क्वेश्चनों को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पॉइंटों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भैया कैसे हुआ, कहाँ शुरुआत हुई है उसको जानते हैं। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है, ये साइंस फेस्टिवल का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहां पर हो रहा है, यानी कि इसका आयोजन जो है किया जाएगा, ये बताया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अब भारत के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों? क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी संभालने के बाद से ही साइंस फेस्टिवल का महत्वपूर्ण और बढ़ जाता है, यानी कि जो इसका महत्वपूर्ण है वो और बढ़ जाता है, यानी कि महत्वता इसकी काफी बढ़ गई है। क्योंकि आपको पता होगा कि G20 के जब बैठक हुई है, जो जिसमें हम एक साल तक हम इसकी अध्यक्षता करेंगे, विभिन्न बैठकों के तहत ही देश में कई प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ठीक है ना? आपको पता होगा, मैंने काफी बार G20 की जब प्रेसिडेंसी मिली थी भारत को, उसमें भी समझा दिया था कि भारत कब तक रहेगा, कब तक भारत के साथ जो है भारत इस G20 का सम्मेलन का अध्यक्ष बनेगा, वो सब चीजें मैंने उसमें बताई थी। और मैंने आपको एक चीज बोल बताई थी कि जब तक है उसमें बीच में जो है काफी ऐसी जगहों को चूज करा गया था जहां पर जो है उनको दर्शाया गया था, उनके महत्व को दिखाया गया था, जैसे इंडिया का लाल किला, दिल्ली का लाल किला हो गया, है ना, और काफी मंदिरों को भी इसमें दिखाया गया था, तो वो काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। उसी तरीके से ये भी काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। क्लियर है ना? तो साइंस फेस्टिवल का महत्वपूर्ण और बढ़ जाती है, ठीक है, महत्वपूर्णता जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि G20 की विभिन्न बैठकों के तहत देश में कई प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। क्लियर है? आगे देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि इस साइंस फेस्टिवल का उद्देश्य की अगर बात करेंगे तो इस साइंस फेस्टिवल का उद्देश्य यही है कि कैसे विज्ञान, प्रौद्योगिक, इंजीनियरिंग, ठीक है ना, कैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग और गणित जैसे जो स्ट्रीम है उनके तरीके हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह एक स्वदेशी साइंस मूवमेंट है जिसका नेतृत्व देश के प्रख्यात साइंटिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये है, इसका उद्देश्य ये है कि भैया विज्ञान, विज्ञान हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, गणित हो गया, ये ऐसे विषय हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, मनुष्य जीवन को यही आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। विज्ञान हो गया, हमको आज जो भी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं, पृथ्वी है, गोल है, मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, ब्लैक होल है, ये सारी घटनाएं हम लोग देखते हैं, कैसे? विज्ञान। प्रौद्योगिक, टेक्नोलॉजी, आप आज मोबाइल यूज कर रहे हैं, टीवी यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं और कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कैसे? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी है। इंजीनियरिंग आप लोग देखते हैं, गणित, इन सब का मेथड होता है, सब चीजों को बनाने का एक मैथ है तो वो उसको गणित, तो ये सब का महत्व सब जब जो है समझाना इसका उद्देश्य है कि ये जो स्ट्रीम है, ये जो सब्जेक्ट है, ये हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण बन जाते हैं। क्लियर है? तो इसलिए करा गया। अब यह जो एक स्वदेशी साइंस मूवमेंट है जिसका नेतृत्व देश के प्रमुख प्रख्यात जो साइंटिस्ट है ना, उनके द्वारा करा जा रहा है। अब इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 की बात करें तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 एक 4 दिवसीय साइंस फेस्टिवल होगा जो भोपाल में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इस साइंस फेस्टिवल का आयोजन के दौरान ही 14 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो देश भर से 8,000 से अधिक प्रतिनिधियों को उपस्थिति में होंगे, साथ ही इसमें बड़ी संख्या में लोकल लोग भी जो है आमंत्रित किए जाएंगे। मतलब ये नहीं है कि बड़े ही लोग आ रहे हैं, लोकल लोग भी जो है इसमें आ सकते हैं, आएंगे। इस साइंस फेस्टिवल का आयोजन भोपाल में अगले वर्ष 21 से 24 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा, ये बताया गया है। इसमें जो है जैव प्रौद्योगिकी इनोवेशन इकोसिस्टम पर विशेष ध्यान देने के लिए 600 से अधिक स्टार्टअप्स के भाग लेने की उम्मीद बताई गई है, ठीक है ना, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कितना स्टार्टअप आ रहा है, मतलब कितने नए बिजनेस इसमें भाग लेंगे। तो इसमें जैव प्रौद्योगिकी इनोवेशन इकोसिस्टम में बताया जा रहा है कि विशेष ध्यान देने के लिए 600 से अधिक स्टार्टअप्स इसमें जो है भाग लेने की उम्मीद बताई गई है। क्लियर है? तो एक तो आपको इस चीज को जो है अच्छे से याद रखना है। क्लियर?
आगे बात करते हैं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में। अब ये क्या है इसको जान लेते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि वीडियो और भी लोगों पर पहुँच सके। आप किसी किसी वीडियो में तो आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे देते हैं कि काफ़ी खुशी होती है जब आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन किसी किसी में आप इतना बेकार रिस्पॉन्स आता है कि मन करता है कि या तो उस वीडियो को फिर आप बनाना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, आपका काम है रिस्पॉन्स देना, आप दे सकते हैं बिल्कुल, है ना। लेकिन कोशिश करा करो कि हर वीडियो में जो है आप अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स दें। जैसे कल रात वाली जो मैंने वीडियो कराई थी उसमें बहुत बेहतरीन आपका रिस्पॉन्स आया, ठीक है। काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है, मतलब हमारा जो यूट्यूब चैनल है, जो हमारा फैमिली है, उसमें अगर बात करें तो व्यूज़ का जो डेटा की अगर मैं बात करूँ आपसे तो 50-100 का जाता है मैक्सिमम, है ना। यानी कि हमारी फैमिली जो है वो 2.5 की होने वाली है। कितने की होने वाली है? 2.5 की होने वाली है। लेकिन जो लोग देखते हैं वो मैक्सिमम 50 से 100 देखते हैं, ठीक है। अब जो भी लोग देखते हैं वो कम से कम इतना भी करा करो कि इस वीडियो को, उस वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है। कल रात की वीडियो की बात करो तो वो अभी 200 से प्लस उसमें व्यूज चले गए। यानी कि अगर मैं अपने डेटा की बात करूंगा या है ना हमारे इस फैमिली डेटा की बात करूंगा तो वो काफी प्लस में है इसका मतलब, है ना। तो कोशिश करा करो गाइस कि सब वीडियो में आपको इसी तरीके का रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। कम से कम इतना रिस्पॉन्स भी अगर आप देंगे तो भी हमें काफी खुशी होगी, ठीक है। बाकी खुशी है हमें, आप लोग देखते हैं, आप लोग हमेशा साथ बने हुए हैं, बने रहिएगा हमेशा, ठीक है। लेकिन कोशिश करा करो कि और फैमिली को आप इसमें जोड़ सको, क्लियर है। तो ये चीजें हैं, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करा करो, क्लियर। चलिए, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में बात करें तो ये जो फेस्टिवल है इसका पहली बार आयोजन वर्ष 2015 में दिल्ली में किया गया था। यह विज्ञान भारती की सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल है। अभी तक देश के उत्तरी, दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में IISF के सभी 6 संस्करण जो है आयोजित किए जा चुके हैं, ये बताया जा रहा है। यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का पहला और दूसरा आयोजन नई दिल्ली में, तीसरा चेन्नई में, चौथा लखनऊ में है। इसके बाद पांचवा आयोजन कोलकाता में है, छठा जो है वो वर्चुअल मोड से, सातवां गोवा में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। आई होप आप इस टॉपिक को जाने होंगे, अच्छे से समझे होंगे कि इंडिया इंटरनेशनल फेस्टिवल क्या है, कितना महत्वपूर्ण है, वो सब चीज़ें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।